अस्सलाम वालेकुम बेटा, वॉइस क्लियर है मेरी? ओके, हेलो कल मैंने होमवर्क के अंदर आपको दो क्वेश्चन दिए थे ऑल डॉट पासबुक पर। कल वाले क्वेश्चंस के अंदर जो होमवर्क में मिले थे उसमें किसी बच्चे का प्रॉब्लम तो मुझे बताए मेरे बेटा। किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम होमवर्क के अंदर? में प्रॉब्लम नहीं आया, डिस्कस करके कर दीजिएगा। हाँ मैं कर दूंगा, बिल्कुल करूंगा डिस्कस। आप बताएं क्या मसला है? प्रॉब्लम नहीं आया वैसे ओवरऑल उनकी डिस्कशन। वो 13 तो हो गया था, 12 और 13 दिया था ना, 12 तो हो गया था, 13 का मेरे ख्याल से सोल्यूशन नहीं था उनमें। नंबर देख लेता हूँ बेटा। और नहीं, उन्होंने नंबरिंग खराब की हुई है, जो 12 और 13 दिया हुआ है, जो 13 उन्होंने 14 दिया हुआ है, अच्छा, लेकिन वो 14 सोल्यूशन से एक होगा। क्वेश्चन मिला था आपको होमवर्क में, एक ये मिला था आपको और एक ये वाला, यही दो क्वेश्चन थे। इसमें से ये हो गया आपका, जीके इसमें किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे का? ओके, मैं फिर यही अज्यूम कर रहा हूं बेटा, किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें से हर बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक ये है, फोर वाला डिस्कस कर दीजिएगा एक मिनट, कौन से वाला? हाँ फोर पार्ट्स का फिजिकल स्ट्रोक वाला जो। जी कर देता हूँ बेटा, कोई मसला नहीं। फिजिकल स्ट्रोक टेक ऑन 31 दिसंबर 2014 इंक्लूड गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच अमाउंटिंग टू ₹52 मिलियंस। द डिलीवरी ऑफ गुड्स वाज स्टॉप ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर, के उन्होंने कहा जो स्टॉक था हमारे पास 31 दिसंबर 2014, तो उसके अंदर वो गुड्स भी शामिल थी जो बिक गई थी लेकिन वो अभी तक डिस्पैच नहीं की थी। द डिलीवरी ऑफ गुड्स वॉज स्टॉप ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अप टू 20 जनवरी 2015। डिस्ट्रीब्यूटर हैज टेकन डिलीवरी ऑफ द गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2 मिलियन ओनली। वो कहना ये चाह रहा है कि जो 30 हमारा है स्टॉक टेक, उसमें 30 दिसंबर को जो भी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर 52 मिलियन की इन्वेंट्री वो थी जो हमने कहा कि गुड्स बिक गई है लेकिन हमारे पास पड़ी है, डिस्पैच नहीं करवाई गई। और उसमें से नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट डेट पर गया तो हमें पता चला 20 जैन तक डिस्ट्रीब्यूटर ने सिर्फ 2 मिलियन की चीजें ली है जबकि 50 मिलियन की चीजें अभी भी नहीं ली। तो ये क्लियरली क्लियरली क्या किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है? क्लियरली इस चीज की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि यहाँ पर मैनेजमेंट का खुद का फ्रॉड इज फैक्टर है। ये मिस स्टेटमेंट नहीं है। मिस स्टेटमेंट क्या होती? वो लिखता गलत या उसकी एप्लीकेशन गलत कर देता ये उसकी, लेकिन यहाँ पर आप मैनेजमेंट से जब पूछा गया तो उन्होंने इसको बताया ये 52 मिलियन क्या है। ये 52 मिलियन बेटा है हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री का वो पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर के कहने पर हमने रोका हुआ है। तो इसका मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटर फर्दर सिर्फ उसमें से 2 मिलियन ले रहा है तो उनका हमारे इंक्वायरी पर आंसर देना इस चीज की तरफ क्लियरली इंडिकेशन है कि ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, कि फ्रॉड के चांसेस है इसके अंदर। कि फ्रॉड के चांसेस क्या है? उन्होंने इसको अपना बुक करके अपने ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, मतलब या फिर इसको इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे थे ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स करने की कोशिश की हुई है।
एनी क्वेश्चन, मतलब वो सेल जो करंट पीरियड की नहीं है, मैनेजमेंट ने उसको करंट पीरियड की सेल दिखा के अपने प्रॉफिट ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर सब्सिक्वेंटली ये दो के बजाय वो 40-42 मिलियन या 45 मिलियन की ले लेता और बाकी वो कह लेता मैं 3-4 दिन डिलीवरी ले लूँ, तो ये वो ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स या प्रॉफिट्स को हमें मे भी इंडिकेशन ना आता, लेकिन 20 दिन के बाद सिर्फ 2 मिलियन की चीज़ों की डिलीवरी ली गई, इसका मतलब क्लियरली इंडिकेशन फ्रॉड रिस्क फैक्टर है मैनेजमेंट की, वो अपने प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट कर रही है। क्लियर हो गया बेटा? जी क्लियर हो गया, लेकिन अगर यहाँ जाके कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या लेनी लेनी, फिर इनके नहीं ये फ्रॉड नहीं हो गए? अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन ने लेना है तो अल्टीमेटली लेनी ही लेनी है, फिर उस सूरत में बेटा वो ऑडिटर इस चीज को लाजमी आइडेंटिफाई करेगा तो कब तक नहीं ले रहा, क्योंकि अगर एक दो तरह के होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वो फ्यूचर में लेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में अगर कुछ फिर तो वो सेल नहीं है ना, वो जब बिकेगा जब लेगा सेल बुक कर लो, बात क्लियर होगी? अगर कॉन्ट्रैक्ट ये है ना अभी लेना, फिर डिलीवरी क्यों नहीं ले रही, ये डिलीवरी ना लेने की एक तरफ की इंटेंशन क्या है उसकी, कि उन्होंने या तो इतने की सेल नहीं है, उन्होंने ओवर स्टेटेड सेल शो की है, या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट शो किया गया सेल्स को ऊपर दिखाने के लिए। क्लियर हो गया, थैंक यू। अबादुर रहमान, इसमें क्या मसला आया बेटा? नहीं मसला कोई नहीं था, वैसे इसके फैक्टर्स डिस्कस कर देंगे एक बार। मैं कर देता हूँ इसको भी डिस्कस। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ सेल फोन प्राइवेट लिमिटेड, ये मैं ख्याल में ऑटम 2014 का क्वेश्चन था, रिस्क था, तब फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आई थिंक सो आया था। Your firm is the owner of cell phone private limited which operate a chain of mobile phone retail outlet. About 25% of shareholder in CPPL is owned by Anwar and his wife. मतलब major shareholding है Anwar उसकी wife की. Anwar is a chief executive of CPPL and also look after the finance and operation of the company. अब देखिए क्या है मुझे, ये CEO है Anwar, finance को भी यही देख रहा है, ऑपरेशंस को भी यही देख रहा है, और मेजर शेयर होल्डिंग भी यही है, ठीक है। अब जब अभी मैंने आगे नहीं पढ़ा, मैंने इधर से देख के मुझे एक चीज का आइडेंटिफिकेशन ही, एक सीईओ कंपनी है ऑपरेट कर रही है मोबाइल फोन आउटलेट्स के अंदर, उसी के अंदर एक बंदा ही फाइनेंस कर रहा है, वही बंदा ऑपरेशंस कर रहा है, क्या यह लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं नजर आ रही आपको, कि एक ही बंदा जब सब काम कर रहा हो तो उस बंदे के लिए आसान नहीं हो फ्रॉड करना, उस पर्सन के लिए उस पर्सन के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो वो इजीली मैनिपुलेट कर सकता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डाटा को, तो यहाँ पर लैक ऑफ सेग्रीगेशन का यहीं से हमें पता चल गया, इसमें लैक ऑफ सेग्रीगेशन है। देर आर 5 अदर डायरेक्टर एंड ईच ऑफ देम होल्ड 50% शेयर इन CCPL, इसके अलावा 5 और डायरेक्टर भी है जो CPPL को होल्ड करते हैं, लेकिन एक मिनट बेटा जरा, उसको लेक्चर अपलोड करना जी बेटा, तो यहां से हमें फर्स्ट रिस्क फैक्टर क्या आइडेंटिफाई हुआ, सेग्रीगेशन या लैक ऑफ सेग्रीगेशन, या उसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, डोमिनेशन या मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन, मतलब ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स बाय दिस पर्सन भी हो सकता है, डोमिनेटिंग पोजीशन में भी हो सकता है, इसको हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी रिस्क हो जाना कि वो कंपनी का काम एक पर्टिकुलर वे में नहीं हो रहा। द ऑडिट इंटरनल ऑडिट फाइनेंस फंक्शन कंप्राइज ऑफ 3 सीनियर ऑफिसर हु आर ग्रेजुएट, ये उसने बता दी उनकी क्वालिफिकेशन। आप इंटरनल ऑडिट 610 है मेरे ख्याल में, इंटरनल ऑडिटर ये 620 है, 610 है ना इंटरनल ऑडिटर, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे इसके ऊपर,
Their duty includes checking of accounting records, physical stock taking, preparation of bank reconciliation review, reviewing payment and verification of fixed and current assets. During the planning phase, another Anwar stressed the need for early completion of audit in order to be able to submit the audited financial statement for seeking a long-term loan finance. He was of the view that an internal audit working paper should be enormous help in performing an early completion of audit. Very important thing. यहाँ वो कह रहा है कि वो audit मुझे जल्दी जल्दी complete करके दे क्योंकि मैंने long term finance लेना है और आप internal audit functions के papers को use कर सकते हैं. यहाँ पर जो एक restriction है इस question को करने के हवाले से वो ये है internal auditor के आपने नहीं पढ़ी हुई चीज़ जो है 610 है IAS. उसके अंदर क्या है जब भी हमने इंटरनल ऑडिटर का कोई काम या वर्क को देखना तो हम उसकी रिलायबिलिटी हम उसका एक्सपर्ट और उन चीज़ों को चेक करके उसमें कुछ और चीज़ें भी है उनको हम चेक करके फिर हम अपना डिसीजन लेते हैं कि हमने उसके वर्क को यूज़ करना है या नहीं करना. अब इस पॉइंट के ऊपर आपको मे बी इंफॉर्मेशन ना हो आपको ना पता चले जिसकी वजह से आप इसके ऊपर क्या है कोई अपना आंसर या कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते. नंबर वन. नंबर टू. अब वो क्यों कह रहा है कि जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करें ताकि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पर उसने क्या लेना है लॉन्ग टर्म. और वो आपको क्या कह रहा है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए आप इंटरनल डाटा यूज कर ले हमारे जो ऑडिटर ने बनाया इंटरनल ऑडिटर ने जो डाटा बनाया है वो यूज. अब मुझे ये बताया जो इंटरनल ऑडिटर है वो एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी है. अगर इंप्लाई ऑफ द कंपनी है तो इंडिपेंडेंस या उसकी जो इंडिपेंडेंस है कोई भी रिपोर्ट देने की वो कभी भी एक्सटर्नल ऑडिटर से बेहतर नहीं हो सकती क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर वो इंडिपेंडेंट के अंदर वर्क करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि जो है आपका सीईओ उसने इंटरनल ऑडिट से जो काम करवाया है फिजिकल स्टॉक मेंटेन करवाया या कुछ भी मेंटेन किया उसके अंदर फ्रॉड किया हो या मैनुपुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हो ताकि वो इस मैनुपुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पर लॉन्ग टर्म लोन ले सके. और इसीलिए वो कह रहा है ऑडिटर को बार बार कि मुझे जल्दी करके दो ताकि वो डिटेल ना चेक कर सके और वो मैनुपुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो एज इट इज निकल जाए और उस बेस पर मैं लोन ले लूँ. तो इसका मतलब इसमें यहाँ पर दो रिस्क आ गए. एक आ गया लॉन्ग टर्म लोन के लिए मैनुपुलेशंस का ओवर स्टेटमेंट का मिस स्टेटमेंट का और दूसरा इसके अंदर ऑडिट या फ्रॉड रिस्क क्या है. दूसरा ये फ्रॉड रिस्क है कि वो जो जल्दी जल्दी हमसे मांग रहा है कंप्लीशन कंप्लीट टारगेट टाइम उसके अंदर भी कोई ना कोई अल्टीमेट इनकी कोई गलती है वो रह गई हो. इसका मतलब इसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर एक हमने आइडेंटिफाई किया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का दूसरा आइडेंटिफाई किया हमने लॉन्ग टर्म लोन वाला और तीसरा हमने आइडेंटिफाई किया अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट. और यहाँ से कौन सा एक और जो अपेरेंटली और नजर आ सकता है ग्रेजुएट कौन सा ग्रेजुएट इंटरनल ऑडिट नहीं क्वालिफिकेशन नहीं है उसकी. क्वालिफिकेशन होना ना होना ये फ्रॉड रिस्क नहीं है ये ऑडिट रिस्क है कि उसने परफॉर्म सही ना किया. बात को समझो फ्रॉड रिस्क है मैनेजमेंट कंट्रोल्स मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट इंटेंशनली. ग्रेजुएट का ना होना हाँ ये रिस्क है कि उसने अपना काम सही से ना किया मिस स्टेटमेंट हो मटेरियली या नॉन मटेरियली इन मटेरियली उसने एरर्स किए हैं दैट इज एक्सपर्ट ना होने की रीजन. लेकिन ये फ्रॉड रिस्क नहीं है. क्लियर होगी बात. लेकिन फ्रॉड ही ऐसे हो सकता है कि वो इंटरनल ऑडिटर है तो वो सीईओ के कंट्रोल में है वो उससे मैनिपुलेशन करवा सकता है. इसका मतलब इंटरनल ऑडिटर जोन से वो फ्रॉड रिस्क नहीं है आप सीईओ की पावर की वजह से फ्रॉड रिस्क कह रहे हो. सेग्रीगेशन ड्यूटी के अंदर या लॉन्ग टर्म लोन के अंदर उसको इस तरह एक्सप्लेन करोगे इंटरनल ऑफिसर हु आर ग्रेजुएट की बेस पर नहीं कर सकते वो गलत हो जाएगा आपका. ठीक हो गया. अच्छा इसका एक हिडन 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 ऑर्डर रिस्क भी था. वो क्या था जो मोबाइल फोन्स है ये हाईली
चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, रोज न्यू चेंजिंग, इसलिए टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर रोज चेंज आता है। तो इसका मतलब इसमें एक सबसे बड़ा फ्रॉड रिस्क ये भी आ रहा था जिसको हम ऑर्डर डिस्पी का रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी। मतलब क्या इसमें कह सकते हैं, इसमें ये कह सकते हैं कि जो मोबाइल फोन्स है क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी वेरी रैपिडली चेंज होती है तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस है तो काफ़ी स्टॉक इनका ऑब्सोल्यूट हो चुका हो और मैनेजमेंट ने मैनिपुलेट किया हो इन्फॉर्मेशन को। क्योंकि जहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें, ऑर्डर रिस्क हो या फ्रॉड रिस्क हो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का चेंज आएगा ना, सीधा सीधा आपने लगा सा चेंज इन टेक्नोलॉजी फ्रॉड रिस्क भी कैलकुलेट करता है और ऑडिट रिस्क भी। लेकिन फ्रॉड रिस्क इन शॉर्ट किस सेंस में लिखेंगे, फ्रॉड रिस्क लिखेंगे कि बहुत क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जल्दी से चेंज हो रही है रैपिडली, तो चांसेस है स्टॉक्स ऑब्सोलीट हो और मैनेजमेंट ने उसको मैनिपुलेट किया हो। और अगर इसकी मैं ऑडिट रिस्क की बात करूँ तो ऑडिट रिस्क इसमें ये नहीं, इसमें ऑडिट रिस्क इससे ज़्यादा बनेंगे। पहला ऑडिट रिस्क तो यही है मैनिपुलेशन वाला जो फ्रॉड रिस्क। दूसरा क्या, मे बी पॉसिबल इन्वेंटरी एनआरवी पर रिकॉर्ड ना की गई हो। थर्ड ऑर्डर रिस्क क्या है, ये जो चेंज हो रही है, चेंज होने की वजह से मे बी कंपनी के प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इंपेयरमेंट हो रही है, मतलब इंपेयरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एनआरवी ये कॉज कंपैरिजन फॉर स्टॉक और नंबर थर्ड मैनेजमेंट का फ्रॉड रिस्क, ये तीन रिस्क ऑर्डर आए थे। एक मिनट जी, आज क्लियर हो गया सब बच्चों के लिए? क्लियर है। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह इसका टेस्ट हम जल्द ही रखेंगे, वो अनाउंस हो जाएगा ग्रुप में आज या मंडे को। तो इंशाल्लाह मंडे से हम कोड ऑफ एथिक्स शुरू करेंगे, जो हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा डिस्कस वाला वो हो गया। सर अब तक जी जी 1 का भी नहीं हुआ टेस्ट, 1-3 का इकट्ठा कर दूं, 1 छोटा सा ये टेस्ट। मैं अभी निकाल लेता मेरा बेटा, वेट कीजिएगा। जी बताएं, पेज नंबर 8 पे कैजुअल वैकेंसी जी, उसकी फर्स्ट 4 लाइंस। अच्छा, द बोर्ड विल फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर विद इन 30 डे, बट व्हाइल एंड सच वैकेंसी कंटिन्यूअस सर्वाइवर और कंटिन्यू ऑडिटर ऑडिटर इफ एनी मे एक्ट। Moreover, any auditor appointed to fill any casual vacancy shall hold office until conclusion of the next annual general meeting. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे ये बता, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट कब होती है? अभी जब किसी को निकाल दें ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले। ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले अगर हम किसी को निकाल दें तो क्या होती है उस सूरत में, आप कह रहे हो कैजुअल वैकेंसी होती है, ठीक है। और कैजुअल वैकेंसी इस सूरत में भी होती है तो ऑडिटर खुद छोड़ के चले जाए, ऑडिटर खुद रिमूव कर दे तो उस सूरत में क्या चलोगे। एक चीज याद रखें, जब हम खुद ऑडिटर को निकालते हैं ना तो वहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क आता है कि मे बी ऑडिटर ने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट्स वो चीज़ें पकड़ी हो और हमने उसको छुपाने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, ऑडिटर रिमूव कर दिया।
तो अगर आप इसकी देखें ना, वेयर द ऑडिटर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर द बोर्ड शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर. ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको मैंने हाईलाइट किया. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर तो वो खुद भी निकाल लेते, अगर उन्होंने अपॉइंट करना है तो अपॉइंट किस कौन किससे अप्रूवल लेके करेगा, एससी से, कमीशन से, कमीशन से. ठीक है, या वो खुद छोड़ के चले गए. अब मैं इस लाइन के ऊपर आता हूँ. द बोर्ड विल फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर विद इन 30 डेज. मतलब अगर कैजुअल वैकेंसी हमारी क्रिएट हुई है बेटा, यकम इसको क्या हो गया, पता नहीं बेटा इसको क्या, इसको लिख नहीं रहा. अगर तो कैजुअल वैकेंसी हमारी क्रिएट हुई है यकम सितंबर को, तो हमने नेक्स्ट विद इन 30 डेज कोई ना कोई न्यू ऑडिटर को अपॉइंट करना ही करना है. बात क्लियर यहां तक? यस क्लियर. While any such vacancy continue, the surviving or continuing audit auditor, if any, may act. वो कहना ये क्या रहा है, अगर तो 30 डेज के अंदर वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता तो एनी वैकेंसी कंटिन्यू द सर्वाइविंग और कंटिन्यू ऑडिटर ऑन ऑडिटर्स इफ एनी मे एक्ट. मतलब जो ऑडिटर सर्वाइव कर रहा है या उसमें से कंटिन्यू ऑडिटर या ऑडिटर अपॉइंट हुआ, वो उस वक्त तक कंटिन्यू कर सकता है जब तक वो न्यू ऑडिटर अपॉइंट ना हो जाए. अब ये जो इतनी लाइन है ये कंट्राडिक्शन है किसम की, यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन है इसको आप इन शॉर्ट क्या, कैजुअल वैकेंसी हुई क्रिएट 30 डेज के अंदर फिल करनी है. ठीक है, 30 डेज के अंदर फिल करनी है, और 30 डेज के बाद अगर फिल हो जाती है, ये जो नेक्स्ट ये लाइन है इस लाइन को इस लाइन के साथ मैं लिंक करूंगा. मतलब यकम अक्टूबर को ऑडिटर को ने छोड़ के गया, तो हमने मे भी 15 अक्टूबर तक न्यू ऑडिटर अपॉइंट कर लिया. ये 2020 की बात कर रहा हूं. ठीक है, ये जो ऑडिटर है ना वो इसका टेन्योर है, जो इसका पीरियड है वो कहेगा कब तक का है. इस ऑडिटर का जो पीरियड है, जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक का, मतलब एक किस्म का जो प्रीवियस ऑडिटर का कंक्लूजन टाइम था वही इसका कंक्लूजन टाइम है. ये नहीं कहेंगे तो क्योंकि ये 15 अक्टूबर को हुआ तो ये अगले एक साल के लिए ऑडिटर है, नहीं. वो कैजुअल वैकेंसी जब भी फिल होगी, उस फिल होने के बाद उसका जो टाइम होगा, जो नेक्स्ट AGM आएगी, AGM कंक्लूजन तक उसका टाइम होगा. मोर एवर एनी ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिल एनी कैजुअल वैकेंसी शैल होल्ड ऑफिस until the conclusion of the next annual general meeting. मतलब वो अपॉइंट बेशक हुआ 15 अक्टूबर को, बेशक वो अपॉइंट हुआ यकम जून को, क्यों ना हुआ हो, लेकिन जो भी फर्स्ट AGM आ गई उस AGM तक उसकी रहेगी. ठीक है, आगे समझ. बट ये सेकंड लाइन वाली, वो सेकंड लाइन व्हाइल एनी सच वैकेंसी, ऑडिटर तो हमने निकाल दी है, बट कंटिन्यू कैसे करेगा, ये भी समझ. The board will fill any casual vacancy in office of an auditor within the 30 days. But while any such vacancy continue, the surviving or continuing auditor, it if any may act. If any का मतलब क्या है? ये very important है. इसको करो. If any से मनाद है. सर्वाइविंग ऑडिटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दो पॉसिबिलिटी निकल आई. अब क्वेश्चन है सर, अगर हमने ऑडिटर निकाल ही दिया है तो बचना कैसे, मतलब नो हो ही सकता. सर्वाइविंग ऑडिटर उधर होता है जहां बैठा था ज्वाइंट ऑडिटर, ज्वाइंट ऑडिटर ये आपके इधर नहीं, आप नेक्स्ट जाके फाइनल में पढ़ेंगे ज्वाइंट ऑडिटर या ग्रुप ऑडिटर. जब ज्वाइंट ऑडिटर होता है उसमें क्या होती है, लेट ABC एक लिमिटेड है, लिस्टेड कंपनी, एक पार्कर असल है और दूसरी क्या है,
लेट हम बात करते हैं रेको, ये दोनों मिलके ज्वाइंट ऑडिटर के तौर पर एबीसी का ऑडिट करें। ज्वाइंट ऑडिटर, ये अभी ज्वाइंट ऑडिटर कैसे होता है, क्यों होता है, अभी मैं इसका आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपके लेवल की बात नहीं है, ठीक है। इसमें से फॉर एग्जांपल रेको चले जाती है छोड़ के, या पार्कर रसल छोड़ के चले जाती है, उसको रिमूव किया जाता है, तो अल्टीमेटली इस सूरत में, ज्वाइंट ऑडिटर की सूरत में, सर्वाइविंग ऑडिटर या ऑडिटर्स बच जाएंगे। मे बी ज्वाइंट ऑडिटर के लिए तीन ऑडिटर फर्म भी पॉसिबल है, हो सकते हैं, तो उसमें इसलिए ऑडिटर और ऑडिटर्स का वर्ड किया, लेकिन जहां फर्म ही एक है, जहां पर्सन ही एक है, वहां अगर रिमूव कर दिया तो वह सर्वाइविंग नहीं बचेगा, इसलिए वर्ड उसने इफ एनी वाला यूज किया हुआ है। बात क्लियर होगी बेटा? यस सर। ओके बेटा, इंशाल्लाह मंडे से कोड ऑफ एथिक्स हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।